सो दोस्तों, स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हमने हमेशा ही लोगों की मदद करते हुए, इनको बचाते हुए, उनके लिए केयर करते हुए देखा है। और अब तक जितनी भी हमने स्पाइडरमैन से रिलेटेड मूवीज देखी उन सब में हमें स्पाइडरमैन कुछ इसी तरह से दिखाया गया है। पर एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक जो हमें दिखाई जाती है और दूसरी जो हमसे छुपाई जाती है। तो वैसे ही हमने स्पाइडरमैन के अब तक बहुत अच्छे अच्छे वेरियंट देख लिए, पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 5 डार्केस्ट वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन के बारे में। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उस लाल वाले बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो आप सब्सक्राइब कर दो, तब तक मैं इंट्रो लाता हूँ। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे 5th मोस्ट डार्केस्ट वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन से। तो हमारे 5th नंबर पे आता है द स्पाइडर। हाँ, इसका नाम द स्पाइडर ही है। और दोस्तों सोचो कि स्पाइडरमैन और कार्नेज एक साथ बॉन्ड हो जाए तो क्या होगा। वेल वही चीज हुई अपने द स्पाइडर के केस में। वेल क्या होता है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन के एक इशू के दौरान अपना स्पाइडरमैन किसी गुंडों का पीछा कर रहा होता है कि तभी उसे कार्नेज सिम्बियोट मिलता है और किसी तरह से वो अपनी स्पाइडी से बॉन्ड हो जाता है। और लोग हम तो जानते हैं कार्नेज कितना अनस्टेबल सिम्बियोट है, तो अपना कार्नेज वाला सिम्बियोट पूरी तरीके से अपने पीटर पार्कर का दिमाग खराब कर देता है, जैसा कि हमने किया था, पर उससे थोड़ा ज्यादा। इसके बाद अपना स्पाइडी ऐसी ऐसी चीजें करता है जिसपे आपको यकीन भी नहीं होगा। और इसके एबिलिटीज में स्पाइडी और कार्नेज दोनों की एबिलिटीज आती है। ये वेपन क्रिएशन कर सकता है, अपने आप को मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज कर सकता है, और स्पाइडर का स्पाइडर सेंस तो है ही, जो इसे और भी ज्यादा डेंजरस बना देता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे 4th डार्केस्ट वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन पे, जो कि है द घोस्ट स्पाइडर। स्पाइडरमैन को आप स्पाइडरमैन और घोस्ट राइडर का मिक्सचर समझ सकते हो। तो होता क्या है कि ये किसी और यूनिवर्स की कहानी है, जिसकी अर्थ हमारी अर्थ नहीं है बल्कि कोई और अर्थ है, जो कि 11638 अर्थ है। तो इस अर्थ में क्या होता है कि ये एक व्हाट इफ का सिनेरियो होता है कि क्या होता अगर अंकल बेन मरते ही नहीं और वहाँ सरवाइव कर जाते। वेल इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अपना पीटर पार्कर घोस्ट स्पाइडर बन जाता है, जो कि किसी वजह से अपने मेफिस्टो से डील करके घोस्ट स्पाइडर बनता है। तो अंकल बेन मरे नहीं तो इनको वो सीख मिली नहीं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना स्पाइडी जिस तरह चाहे उस तरह अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और लोगों को हर्ट भी करता है बहुत ही बुरी तरीके से। इसकी पावर्स और एबिलिटीज में घोस्ट राइडर की सारी पावर्स और स्पाइडरमैन की भी सारी पावर्स आती है। इसके बाद बात करते हैं हमारे 3rd मोस्ट डार्केस्ट स्पाइडरमैन के बारे में, जो कि है द पेशेंट जीरो। तो होता क्या है कि ये किसी और यूनिवर्स की कहानी है, जहाँ एक कॉमिक आई थी पनिशर वर्सेस मार्वल यूनिवर्स, जहाँ होता क्या है कि अपना स्पाइडरमैन एक द पीटर पार्कर किसी मॉन्स्टर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और ये वायरस अपने स्पाइडी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है एक मॉन्स्टर में, जिसकी वजह से अपना स्पाइडरमैन अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देता है और लाइव स्ट्रीम के दौरान एक आदमी को जिंदा खा लेता है और ये पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट हो रहा होता है। पर इससे भी अपने स्पाइडी की भूख नहीं मिटती, वो एक के बाद एक लोगों को खाना शुरू कर देता है। तो अपने पनिशर की कॉमिक है तो बाद में पनिशर ही इससे निपटता है, पर इंसान को लाइव स्ट्रीम पे खाना ये थोड़ा डेंजर हो गया। अपने पीटर पार्कर से हम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। इससे हमें ऐसा कुछ मूवी में देखने को मिलता है या नहीं, अगर ऐसा कुछ बना रहे हो तो यार मैं पर्सनली देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। इसके बाद बात करते हैं हमारे 2nd मोस्ट डार्केस्ट वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन के बारे में। आई एम श्योर आप में से मोस्ट ऑफ द लोग इसके बारे में पहले ही जानते होंगे। जी हाँ, हमारे 2nd नंबर का डार्केस्ट स्पाइडरमैन का वर्जन है द ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। वेल इसकी सारी स्टोरी अपने कॉमिक वर्स वाले मोहित भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए, मैं आपको वो जरूर रेकमेंड करूंगा अगर आपको वो देखनी है तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। पर फिर भी मैं अगर थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दूं कि अर्थ पे ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और काफी सारे लोग उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसमें तो सभी सुपर हीरो के साथ साथ अपना द पीटर पार्कर एके द स्पाइडरमैन भी है। ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद ही अपना पीटर पार्कर एमजे और आंट मे को वही मार के खा जाता है, मतलब लिटरली खा जाता है। सो दोस्तों, इसे लोग स्पाइडरमैन का सबसे डार्केस्ट वर्जन समझते हैं, क्योंकि इसने एंट मे और एमजे को जिंदा खाया था। बट देर इज अ वन मोर डार्केस्ट वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन जिसपे हम अभी आए, जो कि है द ऑदर। और ये स्पाइडरमैन का वर्जन काफी ज्यादा डार्क है। कुछ साल पहले सेम नाम से द ऑदर स्पाइडरमैन की एक कॉमिक आई थी, जिसमें अपना स्पाइडरमैन अंकल बेन की मौत से काफी ज्यादा परेशान होता है और उसे तरह तरह के नाइटमेयर्स भी आने लगते हैं। वो अंकल बेन की मौत की वजह से और अपनी मोर्टेलिटी की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है और इससे डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए वो डे एंड नाइट क्राइम से फाइट करने लगता है। और ऐसे एक फाइट के दौरान उसे कुछ मोरॉन्स काट लेते हैं, जिसके बाद अपने पीटर पार्कर को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इसके बाद वो ठीक तो हो जाता है, पर उस मोरॉन्स के काटने की वजह से कुछ दिनों बाद उसके इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। अपने पीटर पार्कर की बॉडीज में चेंजेस आते हैं, उसकी माइंड में अजीब अजीब तरह की आवाजें घूमने लगती है और ये सब उसे एक मैन ईटिंग मैड मॉन्स्टर बना देती है, जो किसी की भी केयर नहीं करता, बस तबाही करना जानता है। वो बहुत सारे लोगों को हर्ट करता है और इसे स्पाइडरमैन का अब तक का सबसे ज्यादा डार्केस्ट वर्जन में कंसिडर किया जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो टॉप 5 डार्केस्ट वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन के बारे में। आपको कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा उसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। या फिर आपके पास कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीजें मिस कर दी, तो उसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दीजिए इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नया हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। सब्सक्राइब करो यार, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट शो करो। बाय एनी चांस अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर मेरी जिंदगी में ऐसे घुस के देखना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ भी हमको फॉलो कर लो या फिर थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग वी कैन एक्सप्लेन।